सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल पेश करेगी। सरकार ने कृषि कानून वापसी बिल 2021 को इस सत्र के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। इन कानूनों के विरोध में पिछले एक साल से किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी और माता को ये सम्मान सौंपा। गलवान लड़ाई के ही अन्य 5 वीर सैनिकों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनमें नायब सूबेदार नुदुरम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह, सिपाही गुरतेज सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं हवलदार तेजिंदर सिंह ने खुद वीर चक्र प्राप्त किया। कर्नल संतोष बाबू और बाकी सैनिकों ने पिछले साल 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के दौरान देश की संप्रभुता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स में यूपीए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मनमोहन सरकार ने 2008 के मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर सख्ती नहीं दिखाई। मनीष तिवारी के मुताबिक जिस देश को बेगुनाह लोगों की बेरहमी से हत्या करवाने में कोई हिचकिचाहट नहीं, उसके प्रति संयम बरतना शक्ति का प्रतीक नहीं है, इसे कमजोरी की निशानी माना जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब शब्दों से ज्यादा एक्शन की जरूरत होती है। ऐसे में एक्शन शब्दों से ज्यादा मुखर होते हैं। 26/11 ऐसा ही मौका था, तब इसी नीति पर अमल होना चाहिए था। इसके मेरे विचार में 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद भारत को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में डोकलाम को लेकर मोदी सरकार को भी घेरा। उन्होंने दावा किया कि अगर माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती होती तो डोकलाम में टकराव को टाला जा सकता था। बीजेपी ने मनीष तिवारी की किताब को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। मनीष तिवारी ने जो कहा है वो उन्होंने उसकी परिस्थिति और अपने अनुभवों के आधार पे कहा होगा। यूपीए की सरकार गई थी, वो अनिर्णय की स्थिति के कारण गई थी। कांग्रेस ने उल्टे मनीष तिवारी की नियत पर ही सवाल उठाए। इन्हीं लोग ज्ञानी पंडित भी है, इन्हीं लोग मंत्री साहब मंत्री भी बने रहे थे। उस समय क्यों ये सरकार को ये नसीहत नहीं दिया गया था कि एक्शन लिया करो, वार्ड नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन तय है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष के बीच 2 घंटे तक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी आरएलडी को 25 से 30 सीट देने पर सहमत हो गई है। कुछ सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, तो कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। वहीं आज कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट कहा। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि जो यूपी के लोगों को भड़काएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा, अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इससे पहले कानपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा नामदेव गुरुद्वारा में मत्था टेका। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यहां एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में शिलान्यास के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा है जनसभा में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे, जो पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी जनसभा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अक्ल से पैदल हैं। समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। जेवर में एयरपोर्ट बनाने और चलाने की जिम्मेदारी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG को मिली है। 2 चरणों में बनने वाले एयरपोर्ट का
पहला चरण 36 महीनों में पूरा होगा। 2024 से एयरपोर्ट से पहली उड़ान सेवा शुरू होने की उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में आज 86 आरक्षित विधानसभा सीटों को लेकर समीक्षा बैठक की। ये 86 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज एक फोल्डर जारी किया। फोल्डर में बीएसपी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र है। इस फोल्डर को बीएसपी सभी 403 सीटों पर बांटेगी। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी दी है। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। मायावती ने आरोप लगाया कि बीएसपी के किए कामों को नाम बदलकर पिछली बार समाजवादी पार्टी सरकार ने अपना काम दिखाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने के अपने वादे को सही बताते हुए कहा कि ये मुफ्त खोरी नहीं है। अगर मैं किसी महिला की जेब में 1,000 रुपए महीने डाल देता हूँ और वो बच्ची अच्छी शिक्षा ले लेती है, उसे वो बच्ची कॉलेज चली जाती है, किताबें खरीद लेती है, इसमें क्या मुफ्तखोरी क्या है? वही बीजेपी ने सवाल किया कि केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए क्या किया है। दिल्ली में 7 साल से आप चीफ मिनिस्टर हैं, क्या दिल्ली की महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है? आपने अभी तक दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीना क्यों नहीं देना शुरू किया? वहीं कांग्रेस ने कहा केजरीवाल को मालूम है पंजाब में जीत नहीं मिलेगी, इसीलिए वो कुछ भी घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में इन्होंने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता का दिया, वहां चले गए अनाउंस करने, उन्हें मालूम है जीतेंगे नहीं, इसलिए कुछ भी बोल दें। पंजाब दौरे के अपने दूसरे दिन केजरीवाल ने अमृतसर में व्यापारियों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हफ्ता वसूली बंद कराएंगे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी में दूसरी पार्टियों के नेता शामिल हुए। ममता की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर, कीर्ति आजाद और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद पवन वर्मा टीएमसी में शामिल हुए। इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद ममता ने कहा बीजेपी को हराना है। शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि आप लोगों ने इतना मेहनत से, इतना दूर से आए हुए हैं और आप लोगों ने इतना अच्छा से डिसीजन लिया है जो देश के लिए, आज बीजेपी के हराने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा फैसला है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.